मतलब सारी बातें सुन के मुझे बार बार एक चीज समझ में आ रही है कि अपने खान पान का आपको ध्यान रखना है ताकि शरीर पर मोटापा ना बढ़े बिल्कुल तो हेल्दी लिवर के लिए अगर आप जल्दी से ये बता दें हम लोग क्या खाएं क्यों जल्दी क्यों ठीक तसली <laughs> से बताइए हाँ तसली से बता सकता हूँ कि क्या खाएं जी, और क्या ना खाए क्या खाएं तो जनरली अच्छी चीजें जिसके अंदर की नेचुरल प्रोडक्ट्स ज्यादा हो क्योंकि लिवर को वो सारी चीज़ें पसंद हैं जिससे कि पित्त बने पर पतला पित्त बने अगर पित मोटा होगा तो ठीक नहीं होगा तो अगर आप नेचुरल्स खाएं तो एक चाइनीज़ में बड़ा अच्छा एक डायग्राम होता था एक प्लेट होती है उसके चार भाग होते हैं हिंदुस्तान में भी ऐसा ही एक सिस्टम है वो तीन में करते हैं एक भाग में खाना एक भाग में पानी एक में हवा और एक को खाली छोड़ देते हैं तो वन फोर्थ टू हाफ स्टमक शुड बी फिल्ड हम लोग क्या करते हैं पूरी प्लेट को ही भर लेते हैं तो खाना हमारा पूरा भर गया तो और किसी की जगह ही नहीं फिर आपने डकारें लेनी शुरू करी <laughs> जब तक डकार नहीं है तो कहते यार खाने ही नहीं खाया वो बहुत गलत है मतलब यू फील्ड योर सेल्फ सो रिमेंबर यू हैव टू फिल दिस मच रिमेनिंग इज फॉर एयर मे नॉट बी वाटर दैट इज वन क्या खाएँ uh,

बिकॉज दे हैव लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब आप खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं और बढ़ेगा तो बहुत धीरे धीरे बाकी चीज़ों में शुगर यूँ बढ़ती क्या ना खाएँ कोई स्वीटनर्स नहीं यू नो शुगर फ्री ज़ीरो उससे तो गुड़ी ले लीजिए शुगर ले लीजिए बट नो शुगर फ्री दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक नो शुगर फ्री और क्या ना खाएँ मेरे ख्याल से डीप फ्राइड चीज़ें अच्छी नहीं कभी कभी हो गया तो ठीक है तीसरा इन बिटवीन दी मील्स कुछ ना खाएं जैसे आपका टाइम है उसके तो टाइम के हिसाब से खाएं इट्स वेरी गुड बाकी तो बहुत लंबी है कहानियों में जैसे हल्दी इज़ वेरी गुड काला चना इज़ वेरी गुड अखरोट इज़ एक्सट्रीमली गुड दे आर ऑल लिवर हेल्दी फूड्स पर लिवर हर चीज़ अच्छी मानकर चलता है मिर्च मसाले में कोई परहेज़ नहीं घी का कोई परहेज नहीं है पर हाँ पचाना पड़ेगा पर बहुत बार ऐसा होता है ना डॉक्टर साहब के हमें लंच कर लिया अब शाम को भूख लग गई है मन कर रहा है कुछ खाने का hmm. तब क्या करें नहीं बिल्कुल ले सकते हैं स्नैक्स में पर ये ज़रूरी नहीं कि आप और जैसे चने हैं दे आर एक्सट्रीमली गुड यू कैन टेक चना यू कैन टेक बट हम लोग वो सारे प्रोसेस्ड लेते हैं वहाँ गए उसमें पैसे डाले और आया और वो खा लिया दे आर नॉट सो हेल्थी दे आर डीप फ्राइड स्टफ़ मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ बट वन ग्लास ऑफ कोला टू हंड्रेड कैलोरीज कैन यू बर्न आउट कैलोरीज आप एक घंटा दौड़ेंगे तो एक सौ साठ कैलोरीज बर्न होगी एक घंटा दौड़ने और आपने एक कोक पी लिया क्या होगा सो रिमेंबर ईटिंग ड्रिंकिंग ओज एनीथिंग विच हैज एन ओज फ्रुक्टोज ग्लूकोज कॉर्न सिरप दे ऑल आर इन ए वे अनहेल्थी पर सर जो फल होते हैं उसमें भी तो नेचुरल शुगर ही होता है नेचुरल शुगर इज ओके नेचुरल शुगर आई एम नॉट सेइंग बट दे विल एड वेट मतलब कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत मीठे हैं उनको जिनमें फ्रुक्टोज ज़्यादा हो पर फिर भी इट इज़ बेटर मतलब आप कॉर्न सिरप लेंगे चालीस परसेंट उसके अंदर फ्रुक्टोज है कोक्स वगैरह सब में एन अमेरिकन चाइल्ड टेक्स हाउ मच फ्रुक्टोज इन ईयर कैन यू इमेजिन चौबीस किलो चौबीस किलो किलो एक साल में चौबीस किलो फ्रुक्टोज पी जाता है कोक सर सॉफ्ट ड्रिंक्स में सो माय सजेशन इज टू हैव डिफरेंट ड्रिंक्स रादर देन ऑल दीज फ्रुक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स शुगर कंटेनिंग उसमें लिखा है जीरो कैलोरी पर वो फ्रुक्टोज उसको बर्बाद करता है।